अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फैसल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो थीम शुरू करूंगा उसका नाम है ड्रॉइड स्टॉक्स। इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड 12 बेस्ड ये आपको थीम देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप क्लॉक विजेट देख सकते हैं, एंड्रॉयड 12 का आपको देखने को मिलेगा और आइकन पैक भी यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 का देखने को मिल जाएगा और भी काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये थीम रियलमी UI 1.0 कलर 7 में भी वर्किंग है और उसके साथ साथ रियलमी UI 2.0 कलर्स 11 में भी वर्किंग है। तो ये थीम आपने अपनी डिवाइस के अंदर ज़रूर अप्लाई करनी है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि ये थीम आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आएगी और उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहाँ पर अपडेट्स डालता रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस थीम को परमानेंटली अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से थीम फाइल को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने ओपन कर लेना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपने जाना है फोन स्टोरेज में और जहाँ पे थीम को डाउनलोड करके रखा होगा उस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है और उस थीम पर आपने अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इस थीम में कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल का एक एरर आपको देखने को मिलता है। इसको बाईपास करने के लिए आपने iMode Pro एप्लीकेशन को अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने 1 से 2 मरतबा टैप कर देना है। थीम आपकी परमानेंट हो जाएगी, कोई भी यहाँ पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा कमाल का देखने को मिल जाएगा। क्लॉक विजेट आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का देखने को मिल जाएगा जो कि रियलमी UI 1.0 में वर्किंग है और उसके साथ साथ आइकन पैक आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। न्यू आइकन पैक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल का लुक आपको प्योर एंड्रॉयड का देखने को मिल जाएगा। काफ़ी यहाँ पर आपको अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। सेटिंग इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। एक न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग आइकन्स के अंदर। फाइल मैनेजर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। फ़ोन स्टोरेज में फोल्डर्स का लुक कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे डायलर पैड की तो यहाँ पे आपको डायलर पैड का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का डायलर पैड का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। बिग क्लॉक विजेट आपको एंड्रॉयड 12 का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको शॉर्टकट आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि फुली वर्किंग है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको जो है डेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे चार्जिंग इफेक्ट की तो यहाँ पे आपको चार्जिंग इफेक्ट कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप अपनी डिवाइस को चार्जिंग पे लगाएंगे तो इस तरह का जो है आपको चार्जिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थीम भी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के थीम्स मैं आपके लिए लाता रहूँ तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।